हो गई भाई, फड्डा हो गया, फड्डा हो गया। मेरा मोबाइल। ये क्या लिखा हुआ है? एफ के और टूटा हुआ दिल। मगर इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जी हम जा रहे हैं बाहर आउटिंग के लिए। सदाम भाई भी साथ चल रहा है और इलियास भाई भी साथ चल रहा है, तो मैं तो रेडी हो चुका हूँ, इलियास भी रेडी हो चुका है, सदाम भाई रेडी हो रहे हैं। सो गाइस आउटिंग के लिए तो जा रहे हैं, मगर ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ लेके जा रहा है सदाम भाई। सो गाइस फाइनली हम सब रेडी हो चुके हैं, इलियास भी रेडी हो चुका है और सदाम नीचे खड़ा हुआ है रेडी होके। ओए होए होए, इतनी ज्यादा धूप। निजाम भाई गाड़ी टर्न कर रहे हैं, बहुत लड़ाई हो गई भाई, फड्डा हो गया। क्या फिल्टर वालों का, इनका रोज फड्डा चलता है भाई। ये अभी तक गाड़ी टर्न कर रहा है यार, इसकी तो समझ ही नहीं आ रही। चले, ऐसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अच्छा शीशा सीधा करूं, ये ले, अब ठीक है। इलियास भी पीछे बैठा हुआ है और सदाम भाई भी आ गए। कहाँ जा रहे हैं ये भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। अभी हम पेट्रोल भरवाएंगे। सो गाइस हमने पेट्रोल तो भरवा दिया। सो गाइस ये सामने जो है हाईवे रोड है और ये जो खंबे लगे हुए ना, खंबे, इनके ऊपर सोलर लगा हुआ है, सोलर पे इनकी लाइटें चलती हैं। इसको समझ ही नहीं आ रही कहाँ जाना है, दे दिया इंडिकेटर, इस साइड जाएगा, हमें इस साइड जाना है भाई। सो गाइस आज बहुत ज्यादा धूप है, घर में बैठा हुआ था तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं लग रही थी, तो जैसे ही बाहर निकले तो पता चला कि वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हवा तो बिल्कुल चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो इलियास तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं बताना था, सरप्राइज था यार, मैं खुद नहीं बता रहा था। बोलो, मुझे पता नहीं। मुझे पता है। तुम्हें पता नहीं है? पता है, पता है। मुझे भी नहीं पता, जब हम पहुंचेंगे तो फिर पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम सुपर हाईवे रोड पे अभी आ चुके हैं। ये देखें सुपर हाईवे रोड है और ये देखें ऊपर पलटें लगी हुई हैं खंबे के ऊपर। सो गाइस अभी मैं जो व्लॉग बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, वो इलियास की मोबाइल से बना रहा हूँ। कौन सा मॉडल है ये? LG G7 का मॉडल है, तो उससे मैं व्लॉग बना रहा हूँ और इसका जो वाइड एंगल है बड़ा ज़बरदस्त वाइड एंगल है। सो गाइस अभी हम आए हैं लियारी रोड और यहाँ पे देखे चेकिंग सिस्टम है, ये भी इनको भी खर्ची चाहिए होती है भाई, 10-20 रुपए। कितना ज़बरदस्त रोड बना हुआ है यहाँ पे देख, ये जो रोड है ना यहाँ पे सिर्फ कारें आ सकती हैं, बाइक नहीं आ सकती। मैंने मोबाइल इधर ही रख दिया है, हाथ में नहीं उठाया। अब देखने ये अचानक ब्रेक मारेगा तो मोबाइल गिर भी सकती है। फार्म हाउस का जो सीन था वो आधे अधूरे में बन रहा है, कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा है। इलियास तुम चलोगे ना? या। और ये देखे छोटे छोटे घर बने हुए हैं, लियारी रोड पे अभी हम चल रहे हैं। इस साइड भी छोटे छोटे घर बने हुए हैं, नीचे से एक और पुल है और उसके पुल के ऊपर एक और पुल है। बादल भी बड़े ज़बरदस्त आ चुके हैं भाई, आज का मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 1:15। सो गाइज हम कराची में अभी घूम रहे हैं, कराची में मज़ार बनी हुई है, पता नहीं किसकी मज़ार है। सो गाइज ये जो दीवार नज़र आ रही है पूरा चिड़ियाघर बना हुआ है। इंशाल्लाह एक व्लॉग हम चिड़ियाघर का भी बनाएंगे, इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा। हम बहुत बिजी आदमी हैं क्योंकि हमें बहुत काम होते हैं, तो काम से फारिग नहीं होते, जब काम से फ्री हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह चिड़ियाघर का भी व्लॉग बनाएंगे। एक और गेट आ गया जी, ये गेट नंबर 4 है। कराची के बीच में घूम रहे हैं, छोटे छोटे गलियां बनी हुई हैं, छोटे रोड पे बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं भाई। ये देखो पुरानी बिल्डिंग, कराची में आपको बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स मिलेंगी। पतली पतली गलियों से जा रहे हैं भाई। सिनेमा वाला रोड है ये, वो सामने कायद अजम की मज़ार नज़र आ रही होगी, या मोबाइल में तो नज़र नहीं आ रही, नज़दीक जाएंगे तो नज़र आएगी। ये रहा जी कैप्री सिनेमा, देखते हैं इसमें कौन कौन सी फिल्म लगी हुई। ओ फास्ट एंड फ्यूरियस और जॉन विक,
गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, ये तीन मूवीज लगी हुई है उर्दू जबान में। सिनेमा में तो मज़ा नहीं आता क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो मैं मोबाइल में ही देखूँगा 4K में, जब 4K में आएगी HD में तो फिर देखूँगा। अबे क्या कर, लानत दे रहा रक्षे वाले को, बहुत स्पीड से जा रहा था ना तो उसको पानी लग गया। और इस साइड से जो जितने भी घर आ रहे हैं ये सारे पुराने 17 और 16 की ईस्वी में बने हुए हैं पुराने घर। इस गली में भी पुराने सारे पुराने घर बने हुए हैं, ये भी पुराना घर बना हुआ है, ये देखें कितना पुराना है। अब इसमें तो जिन भूत ही रहते होंगे, इंसान तो नहीं रहते होंगे मेरे ख्याल में। ये देखें ये भी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये भी पुराना घर बना हुआ है। क्या हुआ, थक गए क्या, मज़ा नहीं आ रहा? वो सामने कायदे आज़म की मज़ार है नज़र आ गई, ये रही। सो गाइस आपको कराची में घूमने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाएगी और बहुत सारी लोकेशन हैं यहाँ पे घूमने के लिए, मगर कराची की जो ट्रैफिक है और गर्मी है तो उसकी वजह से निकलने के लिए दिल ही नहीं करता कि बाहर निकलें घूमने जाएं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम बाइक पे निकलेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ट्रैफिक में खड़े होकर बिल्कुल थक जाते हैं। तो कार में ये है कि कार में AC चलती है और सुकून से सोफे पे बैठे होते हैं, कुर्सी पे नरम कुर्सी पे बैठे होते हैं। बाइक भी थोड़ा मुश्किल है, कार में भले स्लो चले रुक के चले नो प्रॉब्लम क्योंकि इसमें AC लगी होती है। सो गाइज अभी तक हम कराची में घूम रहे हैं और अभी तक अपनी लोकेशन पे नहीं पहुँचे। सो गाइज फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, ये रही वो लोकेशन, सामने जो नज़र आ रहा है नादरा ऑफिस में थोड़ा सा काम है तो वो काम करके फिर चलेंगे, फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे ये भी नहीं पता, वो भी सस्पेंस है। सो गाइस ये रहा नादरा ऑफिस, सदाम भाई वहाँ गाड़ी पार्किंग पे लगा रहा है। सो गाइस थोड़ा सा हमें काम है नादरा ऑफिस में तो वो काम करके फिर चलेंगे। मेरा मोबाइल अच्छा मैं भागता हुआ जा रहा था, लॉक कर देता गाड़ी, तो अब चलते हैं अंदर। सो गाइस नादरा ऑफिस में गए और हमारा जो काम था नहीं हुआ, मगर इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, दोबारा से वो काम देखते हैं इंशाल्लाह हो जाएगा, तो अब चलते हैं वापसी। चलो बैठो। तो गाइस हमारा काम तो हुआ नहीं, मगर एक और काम था, वो काम ये है जी AC ठीक करवा रहे हैं आज, तो एक मैकेनिक के पास आ चुके हैं, बाहर निकल के देखते हैं। गाड़ियाँ हैं भाई, मेरे को ध्यान से निकलना पड़ेगा, यहाँ से गाड़ी तो नहीं आ रही, यहाँ से भी नहीं आ रही। निकलते हैं, बहुत शोर है बाहर, गाड़ी के अंदर चलते हैं, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। क्या हुआ, मेरे मोबाइल क्या करेगा, गाने सुनूंगा। मेरी मोबाइल मांग रहा, बोला गाने सुन, ये ले। तो मैंने अपना मोबाइल इसको दे दिया, तो ये मेरा मोबाइल यूज़ कर रहा है, मुझे बाहर निकाल दिया, खुद अंदर बैठ के फिल्टर चेक कर रहा है, मैं सिलेंडर लगाया हूँ, अंदर से चेक कर रहा है कि कूलिंग कैसे दे रहा है। मौसम देखिए कितना ज़बरदस्त हो चुका है भाई, वो इलियास इधर बैठा हुआ अभी तक बना रहा है। सो गाइस अभी तक AC वाला काम चल रहा है, AC बना रहा है, क्योंकि हम लड़का ना गए थे ना, बहुत लंबा सफ़र किया था, तो शायद उस वजह से AC थोड़ी सी ख़राब हो गई है। काम हो गया, बड़े ध्यान से निकलना पड़ेगा क्योंकि गाड़ियाँ अचानक से आती है, अभी आगे बैठूंगा। सो गाइस अब चलते हैं। सो गाइस अभी हम दूसरे मैकेनिक के पास आए, यहाँ पे हम वाइपर के जो रबड़ है वो चेंज करा रहे हैं क्योंकि वो खराब हो गए थे, तो अभी चेंज करा रहे सदम भाई। जैसे ही हमने गाड़ी की AC बंद की तो इतनी गर्मी हो गई है और बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे हैं हमारे, तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। ये रबड़ है जी, ये सारे देखो पुरानी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं, ये देखो इतनी पुरानी गाड़ी। क्या बोल रहे हैं, तस्वीर निकालूं, बैकग्राउंड पहले चेक करो कौन सा चाहिए, ये वाला ये तो रबड़ चेंज कर दिया, मगर रबड़ है छोटा, पता नहीं कैसे खींच के उसमें लगा दिया। सो गाइस ये देखो कि मट्टी कितनी ज़्यादा हो गई है, ये जब साफ़ होगी तो इतनी चमकेगी, ये बहुत सालों से यहाँ खड़ी हुई है ऐसा लग रहा है।